बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों यूट्यूब चैनल टुटियां तन्ना दे मंच ते सारे दोस्तों नू आरिफ संधू दा सलाम, अस्सलाम वालेकुम ते सत श्री अकाल। थोड़े दिन पहले तुहाडे दोस्तों दी सेवा ली मैं एक वीडियो बनाई सी बाबा नूरदीन होना दी ते उन्हां दे छोटे भाई बाबा गफूरदीन होना दी। ये दोवें वीर 1947 दी वंड वेले अमृतसर साहब दे पिंड भोए तो पाकिस्तानी पंजाब जिला मियाँवाली के पिंड चक नंबर 16 DB आए तो हूँ 16 DB ही मियाँवाली रह रहे हैं। बाबा जी होना इंटरव्यू किया, भोए के पिंड के लोगों ने खास तौर पर बहुत पसंद किया, नाल नाल दे पिंड के लोगों ने भी बहुत पसंद किया। खास तौर पर भोए के लोगों ने इन्नी दीद चाहत ते प्यार कीता कि सानू ये एहसास होया कि ये जिहड़ा काम है साडा इहनू जारी रखना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। 76 सालां दे पेंडे एक इंटरव्यू दे राही मुके ते लोकां ने बहुत सीसां दित्तियां, बहुत दुआवां दित्तियां। असीं सारिआं दोस्तां दे शुक्रगुजार। फिर चंद दिन बाद असीं बाबा जी होणां दी वीडियो कॉल मिलाई भोए पिंड पिंड दे सरपंच साहब सरदार रणधीर सिंह होनी, उनके वालिद साहब ते उनके भाई वकील ने एडवोकेट ने उन्होंने बाबा जी होने गल की, वीडियो कॉल मिलाई सी। बहुत इमोशनल किस्म दी गल्लां, बहुत प्यार भरिया गल्लां, गल गल चो प्यार डुल डुल पैंदा सी। पर प्रॉब्लम कुछ इदा कि साडा सिस्टम बहुत चंगा नहीं, साडे इस सिस्टम की कमजोरी की वजह तो कभी नैटवर्क की प्रॉब्लम आई, कभी साड़ी चीज़ों के कोई फॉल्ट आ गया इक्विपमेंट में, तो इन्ना कुछ करके असी कोई बहुत चंगी रिकॉर्डिंग नहीं कर सके इस वीडियो कॉल की। पर फिर भी जिदा की हो गई नसीब जी इदा दी सी हो गई है, तो जाहिर असी अपने कोल नहीं रखनी, असी तुहानू दोस्तों की सेवा पेश करनी है। तो असी ये वीडियो कॉल तुहाडी सेवा पेश कर रहे हैं, तुसी सुनो। ते नैक्सट साडा प्रोमिस है कि इंशाल्लाह बाबा जी हुंदे भाई हुंदे ने ते उन्हां नाल वीडियो कॉल मिलावांगे तुहाडी, ते सारे गीले शिकवे उहदे च दूर करांगे, सोहणी वीडियो बनावांगे, सोहणी आ रही होगी उस कॉल की। तो जिदा किदां दी वी होवे अज कल असीं रिक्वेस्ट करदे हां कि तुसी इगनोर नहीं करना बल्कि इहनूं सुनना जरूर है। साडा चैनल सबसक्राइब भी करो, लाइक भी करो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हूँ फिर यह मतलब मैं सुनपुरा तरसिका जड़ा वा हूँ बहुत बड़ा पिंड बनया होना, शहर बनया होना तरसिका, बहुत वड्डा पिंड होना हुण बिच गावां मट्टे होर तरफाणा दा अच्छा ठीक आहो खोडा खूह होंदा जो पर हाँ हाँ लाभ सिंह का ठीक है ਇੱਕ
ਮਤਲਬ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਜੋ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਾੜੀ ਮੁੰਡੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿੰਘ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਣੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ बस पुराने बंदे सारे टुट कर गए। हेलो अच्छा हाँ जी दसो जी भगत कहते मैं भी सुने हाँ हाँ कोई पुराना बंदा हो ना अच्छा नहीं वो ना जरा है ना टूआना ना खोडा खोडा खू खोडिया का घर जरा खोडिया का घर सी ना वो नाल है वो नाल उस वक्त वो चौकीदार सी उसका ना ही बाऊ हाँ मुसलमाना का सी ना वो रेंदे उठे साढ़े घर से थोड़े ही मुसलमाना के घर ज्यादा ही साढ़े घर थोड़े ही छोटे हैं वो जरा ही ना रहमत बाऊ वो सारा जरा सारा खानदान सी ना वो जिस वे आए ना उठो वो हाँ जी हाँ सरदार साहब बताओ हाँ जी आवाज नहीं आन रही हाँ जी बली जी हाँ जी अच्छा ठीक ठीक प्यो ना गुलाम सी ठीक है नहीं नहीं वो इतने नहीं गे रेंदे वो रेंदे मिंट घुमरी रेंदे या वो फौत हो गया वा ओदा एक एक ओदा पुत्र सी मुख्तार ओदे ना आगी समझ मुख्तार ओदे ना जी वो महकमा वाक महकमा वापदा दे विच हो ना अफसर सीगा हाँ वो जरूर भेजी सानू पता अच्छा है छोटे एक ना तू यार के बड़े को पूछी ना वो जी बंसो सी ना उस टब्बर ना ही बंस कौर है एक पुत सी बंस कौर ओदा मुंडा एक ओदी कुड़ी ही रूपो ही ओदे नाल रूपो इधर बह जाओ जरा बह जाओ मंदिर ते ओ पाल सिंह दा वखरा ना तुसीं बह जाओ यार खड़ोता सही नहीं लगदा बंदा लगो इत्थे एक बंस कौर एदा पुत सी एक कुन्ना ना एक कुन्ना ते धी ही एक ओदे नाल ही रूपो कुन्ना ते ओदे नाल ही रूपो और अल्लाह जाने वो है गया या नहीं है गए वो मेरे को छोटे थी उम्र तो मेरे ना वो छोटे थी
हेलो व्यक्ति बड़ी प्रॉब्लम है। हेलो 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 जी हेलो हाँ अच्छा तो जी चल बोल रहा अच्छा जी किन्नी एज किन्नी आ रणजीत सिंह साहब 72 साल तुहाडी किन्नी एज आ उम्र किन्नी आ ਉਹ ਬਨਸੋਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਪੋ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਕੁੰਨਣ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੈਂ ਉਹ ਖੋਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਖੋਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਸੀ ਬਨਸਕੋਰ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਰੂਪੋ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਕੁੰਨਣ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਹਾਂ ਕੁੰਨਣ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਵੇਲਣਾ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਪਲ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁੜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਆ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹਾਂ ਹੌਲੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਟਾਲੂ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸੰਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਉਹ ਖੂਰ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੱਟਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹ ਸੰਖ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਵਕੀਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਗੱਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਵਕੀਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਕੋਠਾ ਸੀ ਮਾਲ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਮੁਕਾਮ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਛੱਪੜ ਸੀ ਵੱਡਾ ਛੱਪੜ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅੱਕ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਕ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੇੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਗੁਲਾਬਾਸੀ ਅੱਕ ਲਾਏ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ
अच्छा लगता होगा ये जगह ना ये जरा दस देना।